हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार शाह और स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल सीएसपी सर्विस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे सीएसपी सर्विस में आपको सिर्फ सीएसपी एंड पैन कार्ड और रिचार्ज जैसे जैसे कि बिजनेस पर्पज से ही आपको वीडियो मिलती रहती है। तो अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस में सबसे पहले आप तक लाता रहूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया दोस्तों कि यहाँ पर आईआरसीटीसी एजेंट कैसे बनेंगे वो भी आप लाइफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो आईआरसीटीसी एजेंट बनने का कई सारा तरीका है। पर्सनल आईडी में दोस्तों आप अगर टिकट वगैरह बुकिंग करते हो तो वहाँ पर बहुत झमेला है, टिकट बुक हो जाता है बट उस पर आपको अगर पर्सनल आईडी से दूसरे का टिकट बुक करते हैं तो वो रेलवे के खिलाफ होता है, यानी आईआरसीटीसी के खिलाफ होता है, जिसमें कि आपको केस वगैरह भी हो सकता है। लेकिन आप दोस्तों आईआरसीटीसी का ऑथराइज एजेंट बनते हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा लफड़ा नहीं है, आपको यहाँ पर एजेंट आईडी दी जाती है और इसका सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाता है जिससे कि आप दिखा के इसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें कमीशन का भी सिस्टम दिया गया है, यानी आपको कमीशन वगैरह भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो क्या कमीशन आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले जो आपको आईडी कैसे मिलेगा एजेंट आईडी आईआरसीटीसी का वो मैं बता दूँ। तो आप आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी किसी भी तरह से ले सकते हैं, जैसे कि आप पेनियर बाई के थ्रू से या स्पाइस मनी के थ्रू से या फिर और भी जो नए एप्लीकेशन है जहाँ पर आईआरसीटीसी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि अगर आप स्पाइस मनी से लो या पेनियर बाई से लो, क्योंकि दोनों ये दोनों कंपनी ब्रांडेड कंपनी है एंड काफ़ी सालों से इंडिया पे वर्क कर रही है जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिल रहा। और अभी जो ट्रेंडिंग में स्पाइस मनी और पेनियर बाई ही चल रहे हैं, तो दोनों का मैं कॉस्ट बता दूँ और दोनों का कमीशन भी मैं बता दूंगा दोस्तों। तो अगर आप स्पाइस मनी का यूजर्स है दोस्तों तो आपको यहाँ पर अगर स्पाइस मनी का यूजर्स है तो आपको यहाँ पर 1200 का जो कॉस्ट लगता है आईआरसीटीसी एजेंट आईडी बनने के लिए 1 ईयर ओटीपी बेस। जी हाँ दोस्तों, और आप पेनियर बाई का एजेंट है तो पेनियर बाई में आपको यहाँ पर 1900 रुपये का आईडी जो आईआरसीटीसी एजेंट आईडी बनने का कॉस्ट लगता है वो भी 1 ईयर ओटीपी बेस 1200-1900। अब ये मैं बता दूँ दोस्तों कि ये जो स्पाइस मनी ऑल इंडिया मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप आईडी नहीं लिए तो ले सकते हैं हमसे जुड़ के, हमारा आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हमारे टीम का, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके अपनी आईडी को जनरेट करा सकते हैं। जहाँ पर आपको यहाँ पर जो है आईआरसीटीसी एजेंट आईडी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और पेनियर बाई का अगर आप लेना चाहते हैं आईडी अगर नहीं लिए तो आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये इसमें कंडीशन है कि आप बिहार के निवासी होना चाहिए, यानी बिहार से बिलोंग करना चाहिए। बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको पेनियर बाई का आईडी मिल जाता है और उसका आईआरसीटीसी एजेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। तो दोनों का मैंने आपको चार्ज बता दिया। अब बात करता हूँ कमीशन की। तो अगर आप स्पाइस मनी के थ्रू से अगर टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर नॉन एसी यानी कि जनरल स्लीपर ये दोनों में आपको यहाँ पर 1500 रुपये तक का कमीशन देखने को मिलता है दोस्तों। और आप एसी टिकट बुक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 30 रुपये तक का कमीशन देखने को मिलता है। इसी की बात करें कि मैं पेनियर बाई का, अगर आप पेनियर बाई का आईडी लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको पेनियर बाई में जो है नॉन एसी यानी कि जनरल स्लीपर में आपको यहाँ पर 20 रुपये का टिकट जो है कमीशन देखने को मिलता है। और अगर आप एसी टिकट बुक करते हैं तो 40 रुपये तक का कमीशन देखने को मिलता है। बाकी दोनों में सेम ही कंडीशन है, 1 ईयर का वैलिड है, ओटीपी बेस है दोस्तों। तो दोनों से आप टिकट का इनकम जनरेट कर सकते हैं, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको लो, क्योंकि दोस्तों एक में आईडी चार्ज ज़्यादा है, एक में आईडी चार्ज कम है, एक में कमीशन ज़्यादा है, एक में कमीशन कम है, बट दोनों ही आपको 1 ईयर का मिलेगा और दोनों ही ओटीपी बेस मिलेगा। तो दोस्तों इन दोनों की मदद से आप यहाँ पर आईआरसीटीसी एजेंट आईडी बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी आईडी लेना है, आईआरसीटीसी एजेंट आईडी बनना है और आपने शॉप पे टिकट बुकिंग का काम चालू करना है तो आप पेनियर बाई या स्पाइस मनी ले सकते हैं। स्पाइस मनी आपको ऑल इंडिया मिल जाएगा, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पाइस मनी का आईडी आपको मिल जाएगा। और आप पेनियर बाई का लेना चाहते हो तो पेनियर बाई सिर्फ बिहार में मिलेगा, वो भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको पेनियर बाई का यहाँ पर जो है आईडी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोनों में कंडीशन वगैरह वो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके, हमारे टीम से कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं क्या है क्या नहीं और अपनी आईडी को जनरेट करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आईआरसीटीसी एजेंट आईडी कैसे मिलेगा और क्या क्या प्राइजेस है इस पर। तो दोनों के बारे में मैंने बता दिया। तो
आशा करता हूँ आप समझ ही गए। अगर समझ गए तो आप हमारे चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नहीं समझे तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा नंबर, हमारी टीम का नंबर दिया गया, आप उनसे अपनी क्वेश्चन को जो है पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और हैशटैग CSP सर्विस जरूर दीजिएगा जिससे कि आपका भाई खुश रहे